बसमानी वरमी वो वेलकम टू माई किचन में हूँ हाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कोरियन रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बनाएंगे किम्बाब और ये बहुत ही डिलेशियस बनेगा इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे टू फिफ्टी कोरियन स्टिकी राइस और इसको हमें पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और अच्छी तरह पानी से धो के पानी को फेंक देंगे फिर वापस से हम इसको एक और बार पानी से धोएंगे पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे और दूसरी बार भी हम पानी को फेंक देंगे हमें इसको पानी से दो बार धोना है और फिर तीसरी बार हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो हम इसको पानी में डिप करके रखना है तकरीबन दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद हम चावलों को छन्ने पे निकाल लेंगे चावलों को ऐड करेंगे हम एक नॉन स्टिक बर्तन में साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे टू फिफ्टी ग्राम्स पानी इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जो पानी में बिल्कुल इस तरह मीडियम से बॉयल जाएंगे कवर इस तरह करने के ढक्कन के साथ हमें किचन का एक कपड़ा रखना है ताकि स्टीम जो है वो कहीं से भी निकले ना और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 17 मिनट्स के लिए पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे तो हमने इसको 17 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकाया है और बहुत ही बेहतरीन से स्टिकर राइस रेडी हो गए किम्बाब बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं एक एक दाना जो है वो अलग अलग होगा लेकिन प्रॉपर कुक होगा अब हम चावलों को निकाल लेंगे एक बर्तन में साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सैसे में ऑयल हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक और चावलों को हमें ऑयल और नमक में अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर सीजन कर लेना है तो इस तरह से हमने राइस जो वो रेडी कर लिया कि हम आपके लिए इसको हम कवर करके एक तरफ रखेंगे अब हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक गाजर है जिसको हमें डायरेक्ट स्लाइस कर लेना है इस तरह उसके बाद इसको एकदम साथ में रखना है और इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक जूलियन में काट लेना है ये देखिए इस तरह तो सब को प्रॉपर जूलियन में गाजर जो है वो कट जाएगा गाजर को हम अभी एक तरफ रखेंगे साथ ही यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन एक पाव के करीब आ, पालक यानी कि स्पिनच इसको हम इस तरह से इसकी स्टेम्स कट कर लेंगे बस इसको इसी तरह रखते हैं इसको भी अभी एक तरफ रख देंगे अब यहाँ पे है मेरे पास टू फिफ्टी ग्राम्स बीफ ये बीफ अंडर कट है ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा पीस होता है और काफ़ी जल्दी कोक हो जाता है इसको हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेना है हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है बहुत ही केयरफुली नाइफ़ से इस तरह बीफ को कट कर लेना है मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जब कटिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही फास्ट कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे क्या होता है कि हाथ कटने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है पहले आप स्लो स्पीड में प्रैक्टिस कर लें उसके बाद जो स्पीड है वो आहिस्ता आस्ता फास्ट हो जाती है तो ये देखिए इस तरह से मैंने बीफ को कट कर लिया है इसको हम निकालेंगे एक बोल में सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून चॉप किया हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक वन फोर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन फोर टी स्पून सॉल्ट वन टेबल स्पून सोए सॉस हाफ टेबल स्पून ओस्टर सॉस वन टी एप्पल साइडर विनेगर 1 टी सेसमी ऑयल इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीफ को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे हम जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना फ्लेवरफुल और जूसी बनके रेडी होगा साथ ही हम एक बोल में ऐड कर लेंगे दो अंडे इसमें ऐड करेंगे वन फोर्टी स्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अब हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे देखिए पानी जो है वो उबल नहीं है लेकिन गर्म है इसमें हम ऐड करेंगे पालक जो कि हमने कट की थी और पालक को हम इसमें ब्लांच कर लेंगे तकरीबन थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स के लिए हमें इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है जस्ट इसको ब्लांच करना है तो तकरीबन थर्टी सेकेंड्स के बाद हम पालक को निकाल लेंगे ऐड करेंगे हम एकदम बर्फ वाले पानी में और इसको डिप करके रखेंगे पानी में ताकि कुकिंग जो है वो रुक जाए और फिर हम इस तरह पालक को स्क्वीज कर लेंगे बहुत ही आराम से ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए पालक को हम निकालेंगे दूसरे बर्तन में इसमें ऐड करेंगे वन फोर टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक वन टी स्पून टोस्ट किए हुए सीड्स तकरीबन वन टी स्पून ऑयल और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक को इसमें सीजन कर लेंगे तो इस तरह से पालक को अच्छे से एकदम अलग कर लेना है अब हम एक नॉन स्टिक पेन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जो हमने अंडा फेंट के रखा था उसको इसमें ऐड करेंगे हाफ़ ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे एक तरफ से इसको कुक होने देंगे और जब ये एक तरफ से कुक हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे इसी तरीके से दूसरा एग भी कुक कर लेंगे अब हम वापस से पैन में ऑयल ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे गाजर जो कि हमने जूलियन में कट की थी इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे तकरीबन वन फोर्टी स्पून और इसको अच्छे से पका लेंगे एक से दो मिनट के लिए गाजर जो है ना उसका कलर सेम रहना चाहिए इतना पकाएं तो गाजर भी अच्छे से कुक हो गई है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अब हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन वन टेबल स्पून ऑयल को गर्म होने देंगे फिर हम इसमें बीफ ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे पाँच से छः मिनट के लिए तो डिलेशियस से बीफ को हो गया इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अच्छा किम्बाब में ना कोरियन पिकल रेडिश जो है वो इस्तेमाल होती है जो मुझे कहीं से भी नहीं मिली तो मैंने खुद बना ली थी इसमें हम ऐड करेंगे नमक और मूली को नमक में अच्छे से मैरिनेट होने देंगे तकरीबन आधे दे घंटे के लिए उसके बाद हम इसको अच्छे से पानी से वॉश करके नमक वगैरह हटा लेंगे और फिर इसको ड्राई कर लेंगे फिर इस तरह से मूली को कट कर लेंगे स्ट्रिप्स में आप साबुत भी रख सकते हैं यहाँ पे जिस भी तरह से चाहे काट लें मूली को निकाल लेंगे हम इस तरह से कंटेनर में अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ कप शुगर हाफ कप पानी वन कप विनेगर वन टी स्पून सॉल्ट और क्योंकि ये जो पिकल रेडिश का कलर येलो होता है तो हम यहाँ पे टर्मरिक ऐड करेंगे नेचुरल येलो कलर के लिए आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं येलो और इसको हम बस इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं हल्के गर्म मिक्सचर को हम डायरेक्ट मूली के ऊपर ऐड करेंगे और उसको कवर करके रख देंगे करीबन तो दो दिन में ये जो पिकल है ये रेडी हो जाएगा तो ये जो पिकल है वो बिल्कुल तैयार है देखिए थोड़ा स्मेली है लेकिन बहुत ही डिलिशियस है मीठा नमकीन और खट्टा एकदम साथ में तो ये जो है वो किम्बाब के में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज़रूर से ऐड होता है इसलिए मैंने बनाया था आप भी बना सकते हैं अब जो हमने अंडा कुक किया था ना उसको पहले हम इसका रोल कर लेंगे और फिर इस तरह इसको हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे तो किम्बाब बनाने के लिए हमारे तमाम जो इन्ग्रीडियंट्स है वो रेडी हो गए तो सबसे पहले ब्लांच और सीजन की हुई स्पिनच यानी के पालक कोको स्ट्रिप्स में कट किए हुए अंडे कुक सीजन किया हुआ गाजर सीजन और कुक किया हुआ बीफ और कोरियन पिकल रेडिश इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है अब किम्बाब बनाना स्टार्ट करते हैं उसके सबसे पहले हमें चाहिए सीवीड रोस्टेड सीवीड चाहिए और इसकी जो शाइनी वाली साइड होगी ना वो हम नीचे रखेंगे और आप साइड ऊपर रखेंगे हाथ को हम गीला कर लेंगे और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चावल सबसे पहले हम इस पर इस तरह पालक रखेंगे पिकल ट्रेडिश रखेंगे कोक किया हुआ अंडा रखेंगे कोक किया हुआ गाजर इस तरह जैसे मैं सेट करके रखी हूँ लाइन से बिल्कुल और फिर बीफ ये देखिए बीफ कितने अच्छे से कुक हुआ है अब सीवीड के एंड वाली साइड पे पर हमेशा से चावल जो है वो थोड़ा सा रैप कर लेंगे और एकदम टाइटली जो है वो रेप कर लेंगे ये जो सी वीट है मैंने बैम्बू मैट पे रखी हुई है ये जो बैम्बू मैट है ना इससे रोलिंग में आसानी होती है या बहुत ही ईजिली जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं सोश्स और बैम्बू मैट जो है वो मैंने दयाज और पीके से ऑर्डर किया है आप भी बहुत ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं या तो फिर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी अगर मैं कर सकी तो वहाँ से आप बाय कर लीजिएगा और देखिए इस तरह से हम इसको रोल करना है टाइटली तो इस तरह नहीं बिल्कुल अच्छे से आपस में चिपक जाएगा रोल जो है वो तैयार हो जाएगा इसके ऊपर ऐड कर लेंगे हम सेसमी ऑयल अच्छी तरह इसको ब्रश कर लेंगे इससे ही शाइनी हो जाएगा और फिर इस तरह हम एक तेज नैप से इसको कट कर लेंगे तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा किम्बाब बन के रेडी हुआ है खाने में तो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है मैंने फ़ॉरन से ही खा लिया था और ये बहुत ही मज़े का था इसी तरीके से देखिए हम तमाम किम्बाब रोल्स जो है वो बना के तैयार कर लेंगे सीवीट पे इस तरह हमें राइस लगाना है और फिर इस तरह से स्पिनच अंडा पिकल्ड रेडिश गाजर बीफ इस तरह से हमें सब सेट करके रखना है और चावलों के बीच में ताकि जब रोल करें तो ये तमाम फिलिंग जो है वो चावलों के अंदर हो दूसरी साइड पे हमें चावलों को इस तरह थोड़ा सा रब करना है और इस तरह से देखिए रोल को पकड़ के बंद करना है तो इस तरह से देखिए आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इसको बंद करना है बहुत ही इजी है बहुत ही आसानी के साथ इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं तो जी बहुत ही डिलिशियस किम्बाब जो है वो रेडी है खाने में बहुत ही डिलिशियस है घर में सबको बहुत ही पसंद आया ये आप भी बहुत ही आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी